क्या हुआ दोस्तों, मूवीज अपलोड नहीं कर पा रहे हो? क्यों? क्लेम आ जा रहा है, वीडियो ब्लॉक हो जा रही है, कॉपीराइट आ जा रहा है, या फिर आपका चैनल टर्मिनेट हो जा रहा है। सीधे तरीके से काम कर रहे होंगे ना, चार लोगों की वीडियो देख ली, एडिटिंग सीख ली और वो डाल दी और उसमें आ गया ब्लॉक, क्लेम या फिर चैनल टर्मिनेट हो गया। ये होता है भाई सीधा तरीका। और जमाना अब सीधे लोगों का नहीं रहा, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ता है। और आज वो टेढ़ा तरीका मैं आपको बताऊंगा। आप लोग भी देखते हैं YouTube पर नई मूवी रिलीज होती है, लोग डाल लें और उनके व्यूज लाखों में, मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं, और आप लोग वो काम करते हो, आपको मिल जाता है ब्लॉक, क्लेम, कॉपीराइट। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा टेढ़ा तरीका बताने वाला हूं ना, जिसको आप यूज करो, उसको फॉलो करो। मैं यहां पर गारंटी से ओपन वीडियो में बोल रहा हूं, गारंटी का चैलेंज कर रहा हूं कि आपको क्लेम नहीं आएगा, ना ब्लॉक आएगा, ना क्लेम आएगा, ना कॉपीराइट आएगा, ना कुछ आएगा। साफ सुथरी वीडियो रहेगी और आप पैसा भी कमाओगे। और इस वीडियो को एक बार एंड तक देख लो, आप भी मेरी बात पे हामी भरोगे कि हाँ ये तरीका है यार, इससे हम काम कर सकते हैं और इससे तो स्ट्राइक कैसे भी नहीं आ सकती। आज हम YouTube के एल्गोरिथम को चकमा देने वाले हैं, और ये तरीका ना कई लोग कर रहे हैं, आपको पता नहीं है मेरे भाई। बात अगर प्रूफ की कहो ना, तो यहाँ पर मैं फेक स्क्रीनशॉट कई सारे चाहूँ तो लगा दूं, लेकिन मैं आपको फेक स्क्रीनशॉट नहीं दिखाऊंगा यहाँ पर। मैं आपको पूरा काम करके दिखाऊंगा और उस वीडियो को एक मोनेटाइज चैनल पे अपलोड करके भी दिखाऊंगा कि क्लेम नहीं आता है। और मैं यहाँ पर ओपन कह रहा हूँ कि जिसको मेरी बात पे भरोसा नहीं है ना, सिर्फ एक बार इस वीडियो को देखे और इस वीडियो में जो जो पॉइंट मैं बताऊंगा उसको फॉलो करके एक वीडियो बनाए और उसको अपलोड करे। अगर क्लेम आ गया ना, तो उसका स्क्रीनशॉट मुझे मेरे इंस्टाग्राम में देना, इस वीडियो को उसी टाइम डिलीट मार दूंगा। वीडियो को अभी लाइक भी मत करना, चैनल को सब्सक्राइब भी मत करना, पहले वीडियो देखो, बात पे हामी जब भर लोगे ना, यकीन आ जाएगा कि भाई ये ट्रिक वर्किंग है, तभी वीडियो को लाइक करना और उसके बाद एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना मेरे भाई। मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर मुझे आप कमेंट दिए उस टाइम पे जब ट्रिक काम कर जाए ना, प्यारा सा कमेंट मुझे मांगता है भाई मेरे भाई। अभी नहीं, पहले वीडियो देखो, ट्रिक को समझो, काम करे तभी कमेंट करना, काम ना करे गाली बक के जाना मेरे भाई। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, उससे पहले एक बात आपको बोल दूं, अगर आप 1-to-1 मुझसे कॉल में बात करना चाहते हैं, प्राइवेट कॉल बुक कर सकते हैं। डिस्प्ले में आपको नंबर दिया जाएगा, इस नंबर में जाकर के व्हाट्सएप में आप कॉल बुक कर सकते हैं। कॉल के कुछ चार्जेस रहेंगे, वो चार्ज इसलिए रखे ताकि जिसको एक्चुअल नीड हो ना, उसकी हेल्प हो सके, फालतू लोग कॉल करके मुझे परेशान ना करें। चलिए मैं आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर दिखाता हूँ और एक मूवी का एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल फॉर, अभी के डेट में एक मूवी आई थी, स्त्री मूवी। हमने वो मूवी अभी YouTube में सर्च करना चाहे ना, तो हमें देखो बहुत सारी मूवीज मिली। देखो एक तो ये 2 घंटा 13 मिनट की मूवी है, हमें मिल चुकी है, ठीक है। और यहाँ पर देखो नीचे को स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर भी एक मूवी है, देखो 2 घंटा 18 मिनट की ये मूवी है पूरी है, और ये स्त्री मूवी ही है। मैं आपको अभी प्रूफ भी दिखाऊंगा, ठीक है। ऐसी आपको बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगी। और बात यहाँ पर स्त्री मूवी की ना करें, हम कोई भी मूवी करें वो आपको यहाँ पर दिखती होंगी, लोग काम भी कर रहे हैं, और काम कैसे कर रहे हैं वो भी आपको बताता हूँ मैं। सबसे मेन दिक्कत देखो कहां पर आती है, आप मूवी भी ढूंढ लोगे। आप कोई नई रिलीज मूवी होती है ना, बहुत सारी ट्रिक ऐसी होती है, टेलीग्राम में मिल जाती है, आप वहां से नई मूवी डाउनलोड कर लोगे। दिक्कत वहीं पर ही पैदा होती है जब आप उसे अपलोड करते हो, तब आपको ब्लॉक, क्लेम या आपकी वीडियो टर्मिनेट हो जाती है। मेन दिक्कत वही तो है ना, वीडियो ढूंढना उतनी बड़ी बात थोड़ी ना, मूवी ढूंढने की बात हो तो आप कहीं ना कहीं से पैदा कर ही लोगे, डालने की दिक्कत आती है। मैं वही चीज आपको बताऊंगा। अब यहां पर देख लीजिए, जैसे मान लीजिए इन्होंने एक स्त्री मूवी डाली, इस मूवी को अगर हम प्ले करते हैं यहां से, तो हम पूरा स्टार्टिंग से देखते हैं। देखो प्रिंट साफ नहीं है, आप इसकी दिक्कत मत ले, मैं आपको अच्छे प्रिंट की बात बताऊंगा कैसे आप अच्छे प्रिंट में कर सकते हैं। देखो वीडियो प्ले हो रही है, अब पूरा वीडियो स्टार्टिंग चल रहा है, सब कुछ कास्ट के नाम सब कुछ लिखा रहे हैं, लेकिन वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं तो ये क्या हो गया, वीडियो तो अटक गई मेरे भाई। ओहो नेटवर्क दिक्कत हो रही होगी, चलो रुको मेरे भाई और आगे बढ़ाते हैं। मेरे भाई वीडियो तो फिर भी अटकी पड़ी है, अभी रुको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो मेरे भाई वीडियो तो अभी भी अटकी पड़ी है, अभी चिंता मत करो। ये भाई मुझे लगता है इस वीडियो में दिक्कत है, नहीं मेरे भाई, अभी मैं आपको दूसरी वीडियो दिखाता हूँ। हम दूसरी वीडियो में गए, ये 2 घंटा 18 मिनट की, इस वीडियो को प्ले करते हैं। हाँ ये तो प्रिंट भी अच्छा है यार मेरे भाई, इसको देखने में मजा आएगा। वीडियो को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ये प्ले चल रही वीडियो, यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। मेरे भाई ये क्या हुआ, स्त्री 2 में सबसे पहले क्रीज आ गया और दूसरा ये वीडियो भी अटक गई, मतलब ये क्या सीन चला समझ में नहीं आ रहा है। देखो अरे राजकुमार राव भी आ गया लेकिन वीडियो अटकी पड़ी है, ये हो क्या रहा है भाई, वीडियो अटक क्यों रही है। तो मेरे भाई ये वीडियो अटके चाहे पटके इससे आपको कोई मतलब नहीं, आपको चाहिए व्यूज, आपकी वीडियो में कोई क्लिक करेगा, एड आएगा, आपको पैसा मिलेगा, आपको मतलब है व्यूज से।
ये वीडियो आगे प्ले हो अटके उससे मतलब नहीं है मेरे भाई, यही तो ट्रिक है। ये वीडियो अटक रही है ना, यही आप क्लेम को बचा रहा है, आपकी वीडियो ब्लॉग होने से बचा रहा है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि आपने काम कैसे करना है एक्चुअल में। इसको देख रहे कई लोग समझ गए होंगे कैसे काम करना है, लेकिन अभी वीडियो छोड़ के मत जाओ क्योंकि कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप मिस कर जाओगे और आपको क्लेम आ जाएगा। क्योंकि आपने स्टार्टिंग में कुछ तो वॉच टाइम लाना पड़ेगा ना, नहीं तो यूट्यूब भी पकड़ लेगा कि भाई आप कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रहे हो। अगर आपकी वीडियो में एक सेकंड दो सेकंड का अगर आ गया, आपने वीडियो स्टार्टिंग से घूमने वाली लगा दी, तो आपको तो एक दो सेकंड का वॉच टाइम आएगा, लोग तो वीडियो देखेंगे ही नहीं। आपने लोगों को वीडियो भी दिखानी है, लोग आपकी वीडियो में वॉच टाइम भी दें और आपकी वीडियो में क्लेम भी ना आए, तो वो ट्रिक कैसे करनी है? देखो, उसके लिए सबसे पहले आपको एक मूवी की जरूरत पड़ेगी। मूवी कहाँ से निकाल सकते हैं मैं यहाँ पर नहीं बता सकता, भाई कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है और मुझे स्ट्राइक मिल सकती है, लेकिन आप समझ जाओ कहाँ कहाँ से मिल जाएगी। टेलीग्राम बहुत सारी जगह मिल जाती है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। आप देखो मूवी डाउनलोड कर लेंगे, अब जरूरी नहीं कि आप लेटेस्ट रिलीज मूवी डालो। भाई लेटेस्ट मूवी कितनी आती है, एक आती है दो आती है, इतनी डिमांड रहती भी नहीं है। तो आप महीने में क्या एक मूवी दो मूवी डालोगे क्या? आपने हर दूसरे तीसरे दिन मूवी डालनी, पैसा कमाना, तो भाई महीने की 5, 10, 15, 20 मूवी तो डालोगे ना। तो आप पुरानी मूवीज भी ले सकते हो, जो मूवी आपको लगती है कि भाई ये वायरल हो सकती है, इसमें व्यूज आएंगे, जो मतलब जैसे भागम भाग हो गया, माला माल वीकली हो गया, हेरा फेरी हो गई, जो मतलब पॉपुलर मूवीज हैं जो लोग देखना पसंद करते हैं, ऐसी सारी मूवीज को ले लो, ठीक है। अब हर मूवी का आपको प्रोमो स्टार्टिंग का भाग कहीं ना कहीं यूट्यूब में मिल जाएगा, या आप क्या कहते हैं कहीं से डाउनलोड करते हैं तो आपको भी वीडियो जब स्टार्ट होती है ना वो भाग आपको मिल जाता है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कई सारी मूवी तो यूट्यूब में ही आपको मिल जाती है, जैसे कि एक अगली मूवी है, ये मैंने आज ही देखी, मुझे काफ़ी पसंद आई और इस मूवी का स्टार्टिंग की चीज़ दिखा। तो देखो स्टार्टिंग में जो ये सेंसर बोर्ड से आपको मिलता है, एक ये चीज़ की जरूरत है, ये आपको हर मूवी मिल जाएगा स्टार्टिंग में, ठीक है। और उसके वीडियो जब स्टार्ट होती तो उसके आगे का सीन जहाँ पर कास्ट का नाम आता है, जैसे कि देखो ये कास्ट के नाम आ रहे हैं, ये सीन, ये तो आपको नॉर्मली मिल जाएगा ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आप कोई वीडियो डाउनलोड कर रहे हो कहीं से, आपका मूवीज आई है, उसके स्टार्टिंग का पार्ट आपने रिकॉर्ड कर लेना है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना करके या डाउनलोड कर लेना कहीं से भी। आपके पास एक सिंपल सी क्लिप कैसी आएगी मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है, तो एक सिंपल सी क्लिप आपको मिल गई कुछ ऐसी, ठीक है। कैसी? एक ऐसी जिसमें देखो हमारी वीडियो में कुछ नहीं, सिर्फ एक कास्ट के नाम है, और देखो ये तंबाकू वाला है, सौरभ गांगुली वाला जो ऐड आता वो सिर्फ ऐड है, और यहाँ पर देखो सिर्फ हमने स्टार्टिंग के भाग को ले लिया जहाँ पर कास्ट आस्ट के नाम आते हैं, ठीक है। ये भाग हमने ले लिया, इसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो, कुछ भी कर लो, 2 मिनट 23 सेकंड की वीडियो है, ठीक है। अब इसके बाद हम जाएंगे अपने कोई भी एक एडिटिंग एप्लीकेशन में। आप कोई भी एप्लीकेशन यूज कर सकते हो, जो फीचर मैं दिखाऊंगा अगर आपके एप्लीकेशन में तो आप उसको यूज कीजिए, नहीं तो आप काइन मास्टर का यूज कर सकते हैं। अगर काइन मास्टर में वाटरमार्क की दिक्कत है टेलीग्राम में, समझ जाओ, इससे ज्यादा नहीं बोल सकता। हम जाएंगे काइन मास्टर में, अब यहां से हम सबसे पहले एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो हम क्रिएट न्यू में जाएंगे और मूवी का रेशियो 16:9 को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब आपके पास ये आ गया, सबसे पहले आपने जो स्टार्टिंग का प्रोमो आपने निकाला था ना, डाउनलोड करा था, स्क्रीन रिकॉर्डिंग बनाई थी ना, वो चीज आपने लेना है, ठीक है। कैसे? मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग में है मेरे, मैंने ये ले लिया, ठीक है, ये ले लिया। अब आपको अब आसानी समझ में आएगा आप क्या कर रहे हैं। देखो ये हमारा सिर्फ 2 मिनट 22 सेकंड की एक वीडियो है, जिस वीडियो में स्टार्टिंग के जो सेंसर बोर्ड से आपको मिलता है एक वो चीज़ है, और उसके बाद देखो यहाँ पर थोड़ा सा जो तंबाकू का जो ऐड आता है वो ऐड है, वो हर मूवी में आपको मिलेगा। ये किसी कॉपीराइटेड नहीं है, ये एक मतलब कॉपीराइट फ्री चीज़ है, ये एक ऐड है, ऐड आप दिखा सकते हो भाई, वो प्रचार के लिए बना पड़ा। तो यहाँ पर देखो आपको ये तंबाकू का ऐड है, ये चीज़ आपको दिख जाएगा, और उसके बाद ये कास्ट, देखो ये कास्ट का नाम जो है ना, मान लीजिए ये कास्ट का नाम है, ये इनसे कोई दिक्कत की बात नहीं, कास्ट के नाम ये कॉपीराइट में नहीं पकड़े जाते हैं, कॉपीराइट में विचलती हुई वीडियो क्लिप ही पकड़ी जाती है, ठीक है। आपने यहाँ तक का ले लेना जहाँ तक कास्ट के नाम है, ठीक है। यहाँ मूवी स्टार्ट हो गई, हम ये एंड का भाग काट देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, जिस मूवी को आप अपलोड करने जा रहे हो, जिस मूवी का आपने सोचा कि मैं आज ये मूवी अपलोड करूं, जैसे कि मैंने सोचा कि अगली मूवी अपलोड करूं, तो मैंने अगली मूवी कहीं ना कहीं से मेरे पास पड़ी पड़ी है, या फिर मैंने उसका ट्रेलर यूट्यूब में देख लिया, या कहीं से मैंने क्या करा, एक स्टार्टिंग का भाग और उसका एक स्क्रीनशॉट बीच वाली वीडियो में से कहीं कर का बीच का एक स्क्रीनशॉट ले लिया। जैसे फिर से मीडिया में जाते हैं और स्क्रीनशॉट में जाते हैं, मैंने अगली मूवी में से बीच में से कोई भी एक भाग मैंने ले लिया था, ठीक है। अब सबसे पहले इसको सेट कर लेते हैं, ठीक है। सेट यह करना, हमारी वीडियो पूरे सिनेमेटिक फॉर्म में है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, हमारी पूरी वीडियो बनी हुई है।
अब ये आपको कहां से मिलेगा स्क्रीनशॉट? देखो आप कोई भी मूवी आप करना चाहते हो ना, आप उसका ट्रेलर सर्च करो। देखो जाएंगे आप, जैसे मान लीजिए स्त्री ही मूवी है, हम इसका ही ले लेते हैं, एक टॉप की मूवी अभी ना, स्त्री टू ट्रेलर लिखा हमने, ट्रेलर लिया, ट्रेलर आया। अब ट्रेलर के अंदर कोई तो फोटो ऐसी होगी जो मूवी से रिलेट करती होगी। जैसे हम आगे बढ़ाते हैं तो ये भाग है याली वीडियो, जिसमें थोड़े क्लियर दिख जाए, ये है ठीक है, ये भाग है। आपने इसी का पहले सबटाइटल यहाँ से बंद कर देंगे और इसको आप फुल स्क्रीन में कर देंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे कर लिया और उसके बाद एक स्क्रीनशॉट इसका ले लिया, बस कहानी खत्म। अब यही स्क्रीनशॉट तो आपने लगाना है, बस यही चीज़ आपको करना है। स्टार्टिंग का भाग आपको मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं से, नहीं तो एक ही भाग लो हर मूवी में वही चिपका दो। सेंसर बोर्ड का अगर नाम चेंज कर दो, नहीं तो आगे पीछे का तंबाकू का ऐड सब में सही में आता है। एक बार डाउनलोड करनी है आपको, हर वीडियो में वही चिपकाना, ठीक है। अब यहाँ गए, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये ध्यान देना कि आपकी मूवी कितने घंटे की है। आप उसके गूगल में सर्च कर सकते हैं कि मूवी की ड्यूरेशन कितनी है। जैसे मान लीजिए ये हमारी ये मूवी है एक घंटे की, मान लीजिए, ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मूवी एक डेढ़ घंटा दो घंटा की होती ना, हमने उतनी लंबी से खींची खाली लास्ट की फोटो, ठीक है, लास्ट वाली फोटो हमने खींच के उतना लंबा कर देना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो हमारी ये वीडियो हो चुकी है 45 मिनट की, 46 मिनट एक घंटा की हो गई है, हम मान लें एक घंटा 17 मिनट की हमारी वीडियो, ठीक है। अब ये वीडियो हमारी यहाँ पर आ चुकी है, अब हमारी वीडियो में क्या है, सिर्फ स्टार्टिंग का भाग और बाकी फोटो है, ठीक है, एक ही। अब उसके बाद आपको एक लोडिंग वाली ग्रीन स्क्रीन की जरूरत पड़ेगी, वो क्लिप की, वो आप यूट्यूब में सर्च करेंगे वहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसको आप लेयर वाले ऑप्शन में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे, मीडिया में गए, यहाँ से मैं गया, ये ग्रीन स्क्रीन मैंने ले ली, ठीक है। ये ग्रीन स्क्रीन कैसी है, देखो एक लोडिंग वाली ग्रीन स्क्रीन है, वो मैंने यहाँ से ले ली, ठीक है, ये देखो लोडिंग वाली है। अब आपने सबसे पहले इसमें से ग्रीन स्क्रीन रिमूव करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने कहा था काइन मास्टर यूज करो, इसमें क्रोमा की का ऑप्शन आपको मिल जाता है। सबसे पहले आप नीचे ग्रीन स्क्रीन में क्लिप में क्लिक करेंगे, उसके बाद साइड के ऑप्शन खुल जाएंगे, तो नीचे को स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको एक जो है क्रोमा की का ऑप्शन मिलेगा। क्रोमा की में जाएंगे, क्रोमा की को ऑन करेंगे, अगर नीचे ग्रीन कलर सेलेक्ट है तो ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम अच्छे से ग्रीन कलर को सेलेक्ट कर लेते हैं और टिक कर लेंगे। अब यहाँ से देखो हमारा क्रोमा की हट गया। अब आपने इस फुटेज को थोड़ा सा बड़ा करके खींच के बड़ा कर लेना, ठीक है, ठीक है, बड़ा कर लेंगे और इसको सेंटर में यहाँ पर लगा देंगे। अब ये जो मैंने क्लिप डाउनलोड करी थी ना, ये ऑलरेडी एक घंटे से लंबी है, मतलब एक घंटे की है, तो हमने एक घंटे की यहाँ पर हमने ले ली, ठीक है। अब इसको हम थोड़ी सी, अगर हम इसकी छोटी पड़ी है तो यहाँ से हम डुप्लीकेट करेंगे, डुप्लीकेट हुई और यहाँ से हम इसको आगे सरका देंगे, ठीक है, आगे सरका देंगे जितना हमें आगे को चाहिए। यहाँ थोड़ा सा, अब एक घंटे की मूवी थोड़ा सा फ़ोन तो लैग करेगा, कहीं कहीं फ़ोन लैग कर रहा है तो उसकी टेंशन मत लेना, तो हमने इसको पूरा एंड तक ले लिया, ठीक है। अब इसमें जो एक्स्ट्रा भाग है जो हमको ज़रूरत नहीं है वो हम काट लेंगे, जैसे डबल हो गए तो हम ये वाला भाग इसे काट देते हैं, ठीक है। अब हमारी मूवी बनके तैयार है। अब इसमें आप खुद बताओ कॉपीराइट आएगा तो किस बेस में आएगा, ना आपने कोई मूवी का कोई चीज़ यूज करके, ना गाना यूज करके, ना कोई वीडियो यूज करके, ना कुछ, आपने सिर्फ यूट्यूब को और एक मूवी के डायरेक्टर को चकमा दे रखा है। देखो तंबाकू का ऐड किसी का कॉपीराइटेड नहीं है, वो सभी वीडियो में सभी मूवी प्ले होता है, वो आपने यूज कर रखा है। आगे सेंसर बोर्ड का लगा रखा है, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपने कास्ट का नेम लगा रखे हैं, भाई नाम देखो, मान लीजिए एक नाम है, मेरे नाम है दिनेश पांडे, मान लो कोई किसी डायरेक्टर का नाम होता है तो उसमें मेरी यह गलती, भाई मेरा नाम भी दिनेश पांडे, अगर मैं अपनी मूवीज रिलीज करूं तो नाम तो मैं दिनेश पांडे लिखूंगा ना वहां पर किसी और का नाम दिनेश पांडे होता है तो उसमें मेरी यह गलती है, तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस मूवी को आपने सेव कर लेना, यहां से कैसे, शेयर में जाएंगे और यहां से इसको आपने सेव कर लेना, सेव एज वीडियो में क्लिक कर देंगे, आप इसे सेव होने देते हैं और उसके बाद मैं आपको इसे अपलोड करके भी दिखाता हूं। मैं आपको, आप लोग यकीन नहीं मानते ना, आप लोग को लगता कि नहीं मेरे भाई ऐसा नहीं होता, क्लेम आता है हर यूट्यूबर झूठ बोलता है, तो नहीं मेरे भाई, हर यूट्यूबर झूठ बोलता होगा, आपका भाई झूठ नहीं बोलता। आपको मैं अभी ये सेव होने दो, उसके बाद मैं आपको इसे अपलोड करके भी दिखाऊंगा। अब यहां पर आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिख रही होगी, इसमें देख लीजिए हमारी वीडियो बनकर तैयार है और इस वीडियो को मैं यहां पर अपने एक मोनेटाइज चैनल पर अपलोड करके दिखा रहा हूं ताकि आपको यकीन रहे कि हां हम इससे पैसा कमा सकते हैं। और यहां पर देखो मैं इसे अपलोड कर दिया है और प्रोसेसिंग चल रही है, थोड़ी देर में प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है और प्रोसेसिंग को कंप्लीट होने के बाद आप खुद देख लीजिए एक बार कि यहां पर मुझे ग्रीन डॉलर मिला पड़ा, यानी कि मेरा चैनल मोनेटाइज है और मुझे इस वीडियो से अर्निंग भी होगी।
और आपको मैं एक चीज पहले ही क्लियर कर दूं, देखो अगर आप इस कंटेंट पर काम करना चाहते हैं और ये सोच रहे कि हम एक नया चैनल बनाएंगे और उसमें इस तरीके से मूवीज को डाउनलोड करेंगे जो ट्रिक मैंने आज आपको बताई और इससे हमारा चैनल मोनेटाइज होएगा, तो नहीं मेरे भाई, आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। आपको ऑलरेडी एक मोनेटाइज चैनल की जरूरत होगी, आपको एक मोनेटाइज चैनल चाहिए होगा, उसको आप यहां पर अपलोड करेंगे उस चैनल पे और उसमें ऑलरेडी मोनेटाइज है तो आपको अर्निंग भी होगी। इस तरीके से आप मूवीज डाल के पैसा कमा सकते हैं। यूट्यूब में आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो आपको सिर्फ कंफ्यूज कर रहे हैं, आपको गुमराह कर रहे हैं, भाई उनसे बच के रहो। मैं तो ये भी नहीं कर रहा हूँ भाई मेरी वीडियो में यकीन कर लो, हाथ जोड़ के यकीन कर लो, ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ मेरे भाई। मैं आपको जो चीज बता रहा हूँ आपसे प्रैक्टिकली करो पहले यार मेरे भाई, बिना करे यकीन मत मानो, पहले करो और फिर ट्राई मारो, फिर आके इस वीडियो में कॉमेंट करना कि भाई हाँ यार ये ट्रिक वर्किंग थी, यार ये ट्रिक सच में काम करी है। और जिन जिनका यहाँ वर्किंग नहीं होगा ना भाई, इंस्टाग्राम में मुझे स्क्रीनशॉट देना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना के देना, मैं इस वीडियो को उसी टाइम डिलीट मार दूंगा और आप लोग के नाम पे ना सॉरी वीडियो बना के डाल दूंगा। तो जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ ना, मैं हवा हवाई नहीं बोल रहा, तो आपके सामने करके दिखाया, एक्सपेरिमेंट करता हूँ तभी मैं आपको बताता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। लेकिन अभी हाँ, कई लोग ऐसा भी सोच रहे होंगे कि भाई तूने वीडियो तो अपलोड कर दी लेकिन अनलिस्टेड में रखी, पब्लिश क्यों नहीं करी। तो मेरे भाई देखो, ये मेरा एक मेन चैनल है जिसमें मेरा कंटेंट कुछ और है, अर्निंग से रिलेटेड इसमें कंटेंट पड़ता है, और इसमें मूवी डाल के अपना कंटेंट खराब नहीं करूँगा। और मुझे भाई मूवी डालने का कोई शौक नहीं है, मेरा जेन्युइन कंटेंट मेरे पास है तो मैं काम कर रहा हूँ भाई। मैं तो खुद आप लोग को बोलता हूँ भाई, जिसके पास जेन्युइन कंटेंट है ना तो कॉपी पेस्ट में काम ही मत करो मेरे भाई, जेन्युइन से बेस्ट कुछ है ही नहीं। अगर आपका रियल कंटेंट है, उस पर आप काम कर रहे हो, तो वो आपको जिंदगी भर पैसा कमा देगा। ये मूवीज वाले ना आपको एक शॉर्ट टाइम की अर्निंग दे सकते हैं, लॉन्ग टाइम की अर्निंग नहीं दे सकते। तो लेकिन जो तरीका मैंने आपको बताया ना, इससे आप अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे। लेकिन ये ऐसा ही है ना कि आपको वीडियो में कोई बंदा आएगा, वो एक बार क्लिक कर लेगा, आपको एक बार तो कमाई करके दे जाएगा, लेकिन दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि पता है कि भाई अगली बार से बंदे ने स्कैम कर रखा है। तो वो एक बार बंदा जरूर आएगा, दोबारा नहीं आएगा, लेकिन हमें एक ही बार बुलाना है। हम हर बार नई मूवी डालेंगे तो नई मूवी के लिए नया बंदा आएगा, उसको क्या पता भाई हमने पिछली मूवी में क्या कर रहा था, और पिछली मूवी में देखने के लिए उसने क्लिक कर भी दिया तो ऐड तो आ ही जाएगा ना, हमें ऐड से ही मतलब है। एक क्लिक की जरूरत है, क्लिक करना है, उसने 10 सेकंड उसे प्ले कर देगा, आगे का इंट्रो प्ले कर लेगा, बस हमारा काम बन जाता है और कुछ नहीं चाहिए हमें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई लाइक कमेंट शेयर करता हूँ, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना। मैं मिलूंगी सर नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय उत्तराखंड।